राष्ट्र नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भारत में एक अलग ही राह देखी जा रही है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी खासा बदलाव देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिले हैं जहां पर सोच विचार करने की बेहद जरूरत है। पुराने जम्मू में वाणिज्यिक केंद्र रहे ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले जम्मू कश्मीर नगर निगम की आम सभा ने इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया था, जिसके बाद ऐसा किया गया। अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी। चौक का नाम बदलने के फैसले को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं, जिनमें से अधिकांश लोगों ने फैसले का स्वागत किया, लेकिन जेएमसी ने नाम बदलने के बजाय विकास और स्वच्छता पर अधिक ध्यान देने का आग्रह किया। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सभी जगहों के नाम बदलते रहते हैं, लेकिन वहां की गरीबी, वहां के किसानों के लिए, वहां के बेरोजगारों के लिए नहीं सोचते हैं, वैसे ही ये रहा अब जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिली है। अब भाजपा के वरिष्ठ नेता और जेएमसी की उप महापौर पूर्णिमा शर्मा ने खबर के अनुसार बताया है कि मैंने करीब 4 महीने पहले आम सभा में एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें जनता की मांग पर सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक रखने की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि उसका प्रस्ताव तो पारित कर दिया गया और सिटी का नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया है, लेकिन क्या इससे कुछ फायदा होगा? हमें नहीं लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। SPN 9 न्यूज रूम से नाज़िम की रिपोर्ट।